कालाढूंगी की बात करेंगे, जहां पर विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद जिम कार्बेट का 148वां जन्मदिन प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। कार्बेट संग्रहालय में आयोजित जन्मदिवस समारोह में कार्बेट की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस मौके पर उनकी जीवनी के आधार पर अनेक रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्बेट पार्क डायरेक्टर ने कहा कि कार्बेट का जीवन हमारे बीच एक आदर्श पर्यावरणविद के रूप में है। कार्बेट ने वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण संतुलन में अनेक कार्य किए हैं। जिम कार्बेट नेशनल पार्क के डायरेक्टर डॉक्टर धीरज पांडे ने कहा कि कार्बेट में पहले ही पर्यावरण संरक्षण की विचारधारा मौजूद है। कालाढूंगी से मुकेश छिम्बाल की रिपोर्ट। जन्मदिवस है और इसके उपलक्ष्य में कॉर्बेट ग्राम विकास समिति द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। ये ऐतिहासिक प्रांगण है, यहाँ जिम कॉर्बेट का आवास हुआ करता था, यहाँ उनको बहुत समय बीता है और आज एक नाटिका भी यहाँ पर आयोजित की गई। उसके अलावा फिल्म शोज का आयोजन किया गया, उसके अलावा जो हमारे लोग नृत्य हैं उनका भी आयोजन किया गया और इससे एक संदेश देने का प्रयास किया गया है वन संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण का। कॉर्बेट ग्राम विकास समिति बहुत अच्छा कार्य कर रही है, विभिन्न होम स्टेज से लोगों को जोड़ा गया है, आय के वैकल्पिक स्रोत लोगों को उपलब्ध कराए गए हैं और इस कार्यक्रम को और इस प्रयास को और अधिक बल देने के लिए कॉर्बेट प्रशासन भी लगातार कॉर्बेट ग्राम विकास समिति के साथ मिलकर काम कर रहा है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा डेस्टिनेशन डेवलप हो पाएगा। म्यूजियम में कुछ सुधारों की आवश्यकता है, आज इसका हमने अवलोकन भी किया और आने वाले पर्यटन सीजन से पूर्व इसको भी हम लोग और